ओम शांति। आज हम विशेष चार प्रकार के निश्चय पर योगाभ्यास करेंगे, जिसमें पहला है स्वयं पर निश्चय, दूसरा बाबा पर निश्चय, तीसरा ड्रामा पर, और चौथा अपने अलौकिक ब्राह्मण परिवार पर निश्चय। निश्चय का इस ज्ञान मार्ग में बहुत महत्व है। बाबा ने भी कहा है, निश्चय बुद्धि विजयंती। जहां निश्चय है वहां विजय निश्चित है। शास्त्रों में भी इतने दृष्टांत, इतनी कहानियां मिलती हैं कि जिन्होंने भी ईश्वर पर निश्चय किया वो पार हो गया। आज योग में ऐसा अभ्यास करें जो एक भी निश्चय में कमी है तो वो दूर हो जाए और संपूर्ण निश्चय बुद्धि बन जाए। तो चलें सबसे पहले अभ्यास करते हैं स्वयं पर निश्चय। तो पहले अपने आप से पूछें, क्या मेरा स्वयं पर निश्चय है? गहराई से विचार करें, मेरा अपने आप पर निश्चय है? स्वयं पर निश्चय अर्थात कभी भी किसी भी परिस्थिति में स्वयं को मैं कमजोर अनुभव तो नहीं करता? मुझे कभी ऐसा तो नहीं महसूस होता कि मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, मैं ऐसा तो नहीं बन सकता? सदा याद रखें अपने स्वमान को कि मैं कौन हूं, कितनी विशेष आत्मा हूं जो सृष्टि की करोड़ों आत्माओं में से स्वयं भगवान ने मुझे चुना, जिस पर भगवान की नजर पड़ी और स्वयं भगवान को जिस पर निश्चय है मैं वो आत्मा हूं। अब एक मिनट इसी नशे में उड़ जाएं, जिस पर स्वयं भगवान को निश्चय है मैं वो आत्मा हूं। कोटों में खोई
कोई में भी कोई आत्मा हूं। शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। तुम बिन तो जैसे तरकश में, तुम बिन तो जैसे तरकश में तीर नहीं हो, हो। तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। शरीर में रोशनी कायम, तुम हो तो है शरीर में रोशनी कायम। तुम रूह हो बदन में तो है नीर नहीं हो।
शरीर नहीं हो। तन तुम्हारा रथ है, तुम इस रथ में हो रथी। ये तन तुम्हारा रथ है, तुम इस रथ में हो रथी। निश्चय विजय तुम्हारी है प्रभु जो सारथी। कभी न जो अधीर हो, कभी न जो अधीर हो, तुम वो महावीर हो। हे आत्मा, अब खुद से पूछो, तुम्हें स्वयं पर तो निश्चय है, क्या उस पर भी निश्चय है जिसने तुम्हें स्वयं की पहचान दी, जिसने तुम्हें तुम्हारी खोई हुई स्मृति दिलाई, जिससे तुम्हें अपने आदि अनादि स्वरूप की पहचान मिली, जिसकी श्रीमत से तुम्हारे जीवन में महापरिवर्तन आया। पूछे स्वयं से, क्या मुझे अपने प्यारे पिता शिव बाबा पर संपूर्ण निश्चय है? जरा विचार करें कि मैं जब से बाबा का बना, मेरे अंदर क्या क्या परिवर्तन आया। मेरा सोचना, बोलना, मेरे कर्म सब बदल गए। मेरा खान पान, रहन सहन कितना बदल गया। यह परिवर्तन जो मेरे जीवन में आया, यह किसकी कमाल है?
ये उस प्यारे शिव बाबा का ही तो जादू है। विचार करो, क्या तुम्हें बाबा की मदद महसूस नहीं होती? कदम कदम पर, हर कर्म में जो मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतनी मदद करते हैं, मुझे भला उस बाप में संशय कैसे आ सकता है? मार्जिन ही नहीं बाबा, तीनों लोकों, तीनों कालों का इतना बेहद का ज्ञान भला आपके सिवाय और कौन दे सकता है? आपका बनकर तो मेरा जीवन धन्य हो गया बाबा। बाबा, मुझे आप पर पूरा निश्चय है। मेरे मन में व चित्त में तो क्या, स्वप्न में भी आप पर संशय नहीं आ सकता बाबा। इतना निराला, मीठा व वंडरफुल पिता तो पूरे संसार में कोई कभी नहीं होगा, जो पिता के साथ साथ शिक्षक और सतगुरु का भी फर्ज निभाए। आप ही मेरे सच्चे सच्चे जन्म जन्म के साथी हो, मेरे परम पिता हो। वही है वही जिसकी चाहत
थी सदियों से हर काम की, तू वही है वही हाँ वही है वही। पितार गुरु तू ही रूहों का मालिक, पितार गुरु होता तुमसे सफर है खत्म और शुरू, होता तुमसे सफर है खत्म और शुरू, परवरिश दे रही तेरी मौजूदगी, वही है वही। तेरा आगाज अंजाम इंसाफ है, गलतियां करता सबकी तू ही माफ है, गलतियां करता सबकी तू ही माफ है, तेरी चुप तेरी रहमत तेरी सादगी, तू वही है वही। पैगाम है कब्र दाखिल रूहों में है छाई खुशी, तू वही है वही। जिसकी चाहत थी सदियों से हर कौम की, तू वही है वही। मुझे पूरा निश्चय है बाबा, कल्प पहले भी आपने मुझे स्वर्ग का वर्षा दिया था, अब फिर से वही 21 जन्मों का
वर्षा देने आए हो। प्यारे बाबा, जैसे मुझे स्वयं पर निश्चय है, आप पर निश्चय है, ऐसे ही इस ड्रामा पर भी संपूर्ण निश्चय है। यह ड्रामा बहुत कल्याणकारी बना हुआ है। इसके हर सीन में, हर दृश्य में मेरा कल्याण समाया हुआ है। कोई भी समस्या हो, परिस्थिति हो, यह ड्रामा का ज्ञान मुझे हिम्मत देता है, शक्ति देता है, मेरे अंदर बल भर देता है। मुझे इस बात का ज्ञान है बाबा कि अब तक जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह और अच्छा होगा। यह वही 5000 वर्ष का चक्र है जो फिर से रिपीट हो रहा है। नथिंग न्यू। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है जिसमें हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। कल्प में एक बार तो हर एक आत्मा इस नाटक में पार्ट बजाने आती ही है। कोई भी आत्मा इससे वंचित नहीं हो सकती। खुद भगवान भी एक बार तो इस सृष्टि रूपी ड्रामा में अपनी भागीदारी निभाते ही हैं। शुक्रिया बाबा, जो मुझे इस ड्रामा में ऑल राउंड पार्ट बजाने का मौका मिला। मैंने 2 युगों तक देवता रूप में पार्ट बजाया और कल्प के अंत में आपसे रूबरू होने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। Drama.
समस्या आपके लिए नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। अनेक बार विजयी बने हैं, बन रही है और आगे भी बनते रहेंगे। ये ड्रामा में निश्चय मोदी विजयी। सृष्टि के आदि से लेकर अब तक जिन आत्माओं के साथ मेरा किसी ना किसी रूप से कोई ना कोई संबंध रहा या संपर्क रहा, जिनके साथ मैंने यह 5000 वर्ष का सृष्टि चक्र बिताया, अब वह आत्माएं मुझे इस ब्राह्मण परिवार में मिली हैं। इनको पाकर मुझे जो बेइंतहा खुशी हुई है, जो आनंद की अनुभूति हुई है, वह खुशी बयां करने के मेरे पास शब्द ही नहीं है। ये वही मेरा कल्प पहले वाला ब्राह्मण परिवार है। इस बात पर मुझे पूरा निश्चय है बाबा। यह इस ब्राह्मण परिवार का सच्चा रूहानी स्नेह ही तो है जो मुझे इस कलयुगी वायुमंडल में रहते भी संगम युग की महसूसता कराता है। भले ही दुनिया में दुख का, शोक का तमो प्रधान वायुमंडल बना हुआ है, लेकिन इन ब्राह्मण आत्माओं के बीच रहते, इनके अंग संग रहकर मुझे जो स्वर्गिक सुख, शांति, आनंद की अनुभूति हुई है, वो तो भूले भी भुलाया नहीं जा सकता बाबा। मुझे निश्चय है अपने इस प्यारे ब्राह्मण परिवार पर। Thank you.
जितना नारा है
मम्मी।